भाई वो तेरे को लेके जाना चाह रहे हैं माइग्रेशन सर्विस ऑफिसर के पास। ये कहाँ आ गए हम? ये तो फोन ही कर रही है, फोन ही कर रही है। वो उन्होंने पहले ही बता चुकी है हम फोन करके। Hello guys, good morning. We are ready to leave the apartment or let's say bye bye to this view and St. Petersburg. और हमने सब सामान सही कर दिया एकदम। It was finally time to say goodbye to this beautiful place. St. Petersburg काफी अच्छा था and उसके बाद हमने एयरपोर्ट के लिए कैब ले ली थी। So हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और इस बार ही हमने ली है पोबेडा एयर की एयरवेज की फ्लाइट और सुनने में आया कि वो काफी स्ट्रिक्ट है। So let's see कि भाई कितनी स्ट्रिक्ट है हमारे साथ वो। भाई एयरपोर्ट घुसते ही पहले चेक इन में सब कुछ खुलवा दिया, कच्चे बनियान सब निकलवा दिए। भाई ये तो गलत है ना। पोबेडा एयरलाइंस अपने बैगेज को लेके काफी स्ट्रिक्ट है, तो आपका जो भी बैग होगा वो इनकी डायमेंशंस और वेट से मैच करना चाहिए। इसमें भाई आपका बैग फिट हो जाना चाहिए और ये इतना सा ही है यहाँ तक, सिर्फ ये नीचे नहीं है। वेल आज सच हमें इतनी दिक्कत नहीं आई, थोड़ा बहुत हमारा केजी ऊपर था तो हम सामान इधर उधर कर रहे थे, बट इट वॉज फाइन। खैर हम लोग अंदर आ चुके हैं, बिजनेस लॉन्ज में हैं फिलहाल। और अगर मैं पोबेडा एयरलाइंस के बारे में बात करूँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें क्योंकि हमने बैगेज खरीद रखा था, लेकिन हाँ इनके डायमेंशंस मैच होने चाहिए बस जो आप कैरी बैग ला रहे हो साथ में। एंड पोबेडा एयरलाइंस वैसे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है बैगेज के मामले में, या बोर्डिंग टाइम टाइम से होना चाहिए एकदम, मतलब सबके मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सो ध्यान रखना। दरियाई ची, दरियाई घोड़ा। तो भाई एक घंटे में वी लैंडेड इन मॉस्को एंड एज यू कैन सी, कहते हैं रशिया बहुत ग्रीन है तो ऊपर से दिख ही रहा था कि वो कितना ग्रीन है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? एनीवे मैं ये कह रही थी कि वैसे तो पोबेडा एयरलाइंस जो है वो काफ़ी चीप है और सेफली पहुंचा भी दिया, वैसे हमारा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, लेकिन उसके जो ऑनलाइन रिव्यूज़ है ना वो इतने अच्छे नहीं हैं। पर यहाँ की जो बेस्ट एयरलाइन है, एक्सपेंसिव भी है और ओल्डेस्ट भी है, वो है एरोफ्लॉट। और एरोफ्लॉट सच में काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव है क्योंकि जस्ट लाइक हमारे बैगेज में उन्होंने 11,000 तो ले ही लिए थे, तो एक्सपेंसिव तो ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी है। This is our room. आज के लिए, कल हमारा रूम चेंज हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि आज जो है ना वो यही रूम अवेलेबल है। तो भाई हम लोग ने तो अपना रख दिया अकोमोडेशन में, लेकिन अब जो बटर जी की अकोमोडेशन है हम वो चेक करने जा रहे हैं। आंटी अलग गुस्से में है भैया, और हमने बुकिंग करा रखी है फिर भी ऐसा ट्रीटमेंट हमको मिल रहा है, ये हमसे सहन नहीं होगा। मेरे को तो लगता है ये भी नहीं रहने वाले यहाँ पे। बोल देना रजिस्ट्रेशन नहीं है भाई, नहीं कराए पहले आते ही मेरा एक्सपीरियंस। Где вы находились до этого времени? Скажите, пожалуйста. Где? हमने रिफंड का बोला तो वो कह रही हैं कि तुमने हमको पे ही नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं कि साइट पे पे करा, साइट पे पे किया। पॉइंट इज दैट यू सेटल इन विद अस फॉर 3 डेज, वी विल सबमिट यू टू द फेडरल माइग्रेशन सर्विस। एंड व्हाट डिफिकल्टीज यू विल हैव लेटर, इट विल नो लॉन्गर बी आवर प्रॉब्लम, योर्स। वेल I'm telling you, if you have difficulties, then you will explain yourself where you were and what you did. वो कह रही पुलिस वाले बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि जाते हुए शायद मांगेंगे एयरपोर्ट पे वापसी की फ्लाइट में, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। No, well, we still have to take your documents to the migration service. Let's move in, बोल रही। तो वो वही तो बोल रही है कि तुम लोग इतने टाइम से सेंट पीटर्सबर्ग में थे तो कहाँ है उसकी रजिस्ट्रेशन? ऑस्ट्रोवर्क पे है ना रजिस्ट्रेशन, बोलना। मैं बताया ऑस्ट्रोवर्क, अपन बोल रहे कि मतलब देख नहीं रहे। मैं बताया भी हम लोग क्लियर थे,
कह रही वो नहीं है रजिस्ट्रेशन। पूछो रजिस्ट्रेशन कुछ और होती है, कार्ड मिलता है क्या रजिस्ट्रेशन का? मना कर दे भाई, बोल दे भाई, कोई बात नहीं, रिफंड दे दो। वो नहीं देखी, वो तो देखी नहीं। अगर रजिस्टर अब भी कर दे तो जो अभी सिचुएशन है वो सेव नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो सकता, ये कह रही है। ये कहाँ आ गए हम? बड़ा नाम सुना था इधर का, लेकिन कुछ अलग ही निकला। ये तो वही कह रही है कि चलो भाई, कहाँ लेके जाना चाह रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो फोन ही कर रही है, वो उन्होंने पहले ही बता चुकी है फोन करके। भाई इसको हॉस्टल वाले उससे ओनर से बात करा देते हैं, तो यही रहेगा। A few hours later. नासिया जो है वो लॉयर है, उसने सीधा मुंह पे बोल दिया आंटी ने कि मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम लॉयर हो या जो भी है, ठीक है। और नासिया ने बोला कि तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मैंने फिर से उसे कंफर्म किया कि वो लॉयर है कि नहीं है। उसने बोला हाँ मैं लॉयर हूँ, तुमको नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो कुछ भी आगे भी होता है तो उसने बोला कि कॉन्टेक्ट मी। अरे मतलब जब चाहिए ही नहीं तो समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। भाई ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया यार। इनकी बुकिंग करा रखी थी और जैसे ही हम गए वो तो भाई फंसाने वाले काम हो गए। मतलब मानती हूँ हमारी गलती है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई ना, हमें मालूम था, बट पता नहीं भाई आंटी इतना गुस्सा थी। फिर हमने लास्ट में मना कर दिया कि भाई हमें रहना ही नहीं आपके यहाँ, भाई माफ़ी दे दो। क्योंकि वो कह रही थी कि मैं तुम्हें ऑफिसर के पास लेके जाती हूँ, माइग्रेशन ऑफिसर के पास, तुमको ही ट्रबल होगा। मैंने कहा रहने दो भाई, यहाँ से जाओ भाई, जल्दी से जल्दी भागो। लेकिन हमारे साथ सीन ये हुआ था कि जहाँ हम सबसे पहला रुके थे ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि जो दो तीन दिन के लिए रुकते हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते। फिर सेकेंडली हम चले गए थे सेंट पीटर्सबर्ग और वहाँ पे हमने लिया था अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट जो ओनर थी नाक्सा, उन्होंने भी बोला था कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते एंड शी इज़ अ लॉयर। हाँ जी हाँ जी, सुन लें। तो मैंने फिर से उनसे कंफर्म किया कि भाई रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। क्योंकि वो आंटी हॉस्टल वाली कह रही थी कि इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, ये तो लास्ट व्लॉग में पता चलेगा रशिया के, है ना। ये बहुत दुखी हैं जैसा देख सकते हैं कि डोडो पिज़्ज़ा चलें, डोडो पिज़्ज़ा मैं पागल हो गया, सैड दिखा मैं, कट 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 कट। अब हम सवाल करते हैं वैभव जी से जिसे इतनी नॉलेज है कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन ये होता है कि देखो आपको ये दिखाना होता है कि मैसी को ये दिखाना होता है कि भाई आपने यहाँ पर रहे हो, इसका एक वैलिड प्रूफ है ये बुकिंग। क्योंकि यहाँ पे जब से सैंक्शन लगे हैं या नहीं भी लगे थे तब भी कह सकते हैं कि ऐसी सी होती है, कोई GST VST होता है ना जो प्रॉपर होता नहीं है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाती है एयरपोर्ट वालों के लिए कि भाई ये हाँ ये कन्फर्म था बंदा यहाँ पर रुका है। और ये ओनर जैसे अपार्टमेंट में रुके तो उसका ओनर हो गया, और रिसेप्शन वाली हो गई होटल में, और हॉस्टल में भी वही सब, तो वो उनको करने की होती है। लेकिन हमें जहाँ पे भी हम गए हैं सबने मना ही कर दिया। पहले दो दिन रुके थे, उनने बोला कि आप मॉस्को में सिर्फ दो ही दिन रुक रहे हो तो हम नहीं दे सकते, 7 दिन मिनिमम रुकना पड़ता है, उनको देते हम। और जो दूसरा है वहाँ पे अपार्टमेंट वाले था तो अपार्टमेंट वालों ने भी मना कर दिया कि हम नहीं करते। और तीसरा है जहाँ पे वो करते थे वहाँ पे तो हो ही गया सीन, देखो कितना उदास है ये अभी तक, देखो। और हमारे वाले ने तो मना कर दिया कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, हम जिस होटल में रुके हैं उन्होंने तो मना कर दिया कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो अब पता नहीं क्या सीन रहेगा। तो अब हमने जो बुकिंग कराई थी, एक सेकंड वैभव जी से जानते हैं, उस तरफ से बुकिंग कराई थी, बताइए रिफंड का कैसा रहा? कि उस पे लिखा था कि नॉन रिफंडेबल, तो मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ, तो उस तरफ से हमने बुकिंग कराई थी, उस तरफ पे क्या है कि बुकिंग तो कराई हुई थी और पैसे भी सारे दे दिए थे होटल के, लेकिन फिर क्या हुआ वहाँ पे सीन हो गया अपना, लड़ाई वड़ाई हो गई इसकी। तो फिर इसने क्या एंड पे आंटी ने बोला कि रजिस्ट्रेशन नहीं है ना तो भी मैं तुम्हें रहने के दे सकती हूँ, गुस्से में ऐसे बोला, तो तुम्हें बताओ यहाँ रहना है या नहीं। तो इसने मना कर दिया मुँह पे ही। तो अब ये सड़क का राही है, सड़क पे चल रहा है, तू सोएगा यहीं सड़क पे आज की रात इसी के नाम।
जश्न। एक सेकंड, बात हुई थी रिफंड से, रिफंड से आंटी पे जाके ये सड़क पे कैसे आ गए यहाँ, बताना चाहेंगे? क्या बताना था रिफंड का? कि रिफंड का क्या सीन? नॉन रिफंडेबल है, तो वो मना कर रहे हैं कि रिफंड तो नहीं होगा, सॉरी। और बात ये है कि हम इतने दिन यहाँ पे रह लिए, हमने बैंक अकाउंट खुलवा लिए, हमने होटल चेंज कर लिए, हमने फ्लाइटें ले ली, और आज तक अभी तक मतलब किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो मांगा ही नहीं है। तो जहाँ तक हम, मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन इतना इम्पोर्टेंट शायद नहीं है, बट ऑब्वियसली हम गलत हो सकते हैं भाई। तो अब ये ही तभी पता चलेगा जब हम रशिया छोड़ेंगे इमिग्रेशन के टाइम, तो वी डोंट नो येट। तो यहाँ पे देखो ये बातें चल रही हैं कि पैसा जो है ना, उस चीज़ पे आप डिपेंड हो जाते हो तो भाई जिंदगी आपकी ख़राब हो जाती है, नहीं क्या? इनकी शक्ल ही बन गई क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना। क्या है वीडियो में कुछ भी पैसा, ये पैसा वाले पैदल चल रहे हैं, हमें ये पैसा वाले इंसान है। हाँ, इसके पास पूरा बैकअप है। Exactly. ये कुछ भी कर सकता है, इसके पास पैसा, अगर आपको पता ही होगा जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता। हम लोग जैसे नॉर्मल लोगों को बहुत सोच समझ के अपना खर्चा करना पड़ता है। ये जिस भी DNS शॉप में जाते हैं अपने 4-5 चीज तो खरीद के आएंगे ही, पूरा टाइम लेंगे लेकिन कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ऐसा ही इंसान। अरे गालियां नहीं जाने, गालियां नहीं जाएंगे। और ये आप इनके वैसे लुक से मत डिसीव होना, ये पैसे वाले लोग चप्पलों में भी आते हैं। हाँ भाई आते हैं। बहुत सही, तो आपका कुछ टिप्पणी? 100 रुपए की चप्पल है। तो अब क्या सीन है ना, अभी हम जा रहे हैं काउच सर्फिंग से, एक बंदा है ईगर, उनसे मिलने। सो अभी हम एक होटल में हैं भाई, वो वाले होटल में है टू बी ऑनेस्ट, मॉस्को होटल, होटल यूक्रेना, क्रेमलिन, दैट्स द रेड स्क्वायर, राइट? व्हाट इज दिस? आल्सो इट्स समथिंग इनसाइड द क्रेमलिन, सम चर्चेस, पैलेसेस। तो ईगर जी हमें घुमा रहे हैं भाई ये जगह पे, और ये इतनी सुंदर है यार, मैं सबको फोटोज में देखती थी, लाइक सीरियसली दिस मींस सो मच टू मी एट दिस मोमेंट, आई एम सो मेसमराइज्ड बाय दिस भाई, क्योंकि ये चीज ना मैं हर टाइम मॉस्को जब भी देखती थी ना फोटोज में यही देखती थी, और आज इधर लाइव देखने का यार अलग ही फील है यार, बहुत तगड़ा। 1% बैटरी बची है, तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।